नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रीन प्लांट में स्वागत है, वेलकम है। देखिए, आज एक आप क्रोटन का एक पौधा दिखा रहे हैं जो मेरे गार्डन में लगा हुआ है। देखिए इसका सुंदरता, देखिए ना, एक खूबसूरत है। इसका ये पीले वाला सेब, ये देखिए कितना नीचे तक, देखिए कितना सेब। गार्डन का एक अलग ही शोभा बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये साल में एक दो बार इसमें गोबर खाद दे दीजिए तो पौधा का पत्ती और जैसे ये सब देखिए निकल रही है और चेंजिंग हो जाएगा। ये ज़्यादा इसमें सनलाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये मतलब कि एक दो घंटा रहेगा तो काम चला लेता है अपना। ये मतलब कि ये देखिए इसका कितना ये खूबसूरत लग रहा है। इसमें ये देखिए उसका पत्ते, देखिए ये काले हैं, ये है ये इसका, ये देखिए इसमें बहुत से की सुंदरता लगते हैं। आज इसका हम आपको कटिंग ग्रो करके दिखाएंगे, मतलब कटिंग लगा के दिखाएंगे कैसे इसका कटिंग लगाया जाता है। तो चलिए कोई खूबसूरत सा डाली ले लेते हैं। ये तो ठीक लग रही है, पहले इसको हम इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं। देखिए ये भी इजी ग्रो है, इसको आप इजी तरीका से लगा सकते हैं। तो चलिए लगा के आपको दिखाते हैं कैसे ग्रो करती है। आप इसे गमले में घर पे लगाइए, अपना घर को इंडोर तो चार चांद की तरह चमकाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट लगा हुआ है। इसमें हम 50% मिट्टी और 30% गोबर खाद और 20% ग्राउंड मतलब बजरी दिए हैं। अब इसी में एक छेद कर लीजिए और ये देखिए नमी भरा हुआ है, तो इसमें लगाने में कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ से इसे ऐसे डाल दीजिए मिट्टी, महीने एक महीने दो महीने में, एक महीने में लगभग लगेंगे इसके लीव्स आने में नए। ये कटिंग तैयार हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।